Hello dear students, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about the lesson. The name of the lesson is A Counter of a Special Kind. It is the story of a mother's langurs and his baby. Its two part has done in the last video. It is the last part of this lesson. After that we will learn about its language study. But I have a complaint to all of you that you don't attention on our video and you don't want to watch us. What is the reason? I can't understand it. So dear student, watch the video and try to understand the concept of the lesson so that you can complete the activities which is based on this passage, on this lesson. Okay, I hope that you will watch my video and try to understand the concept of the lessons. Okay, so let us start the video. See here, passage. I have taken the last passage, some passages, my action, and from the last line of a special kind, and some difficult word has been written on your whiteboard, and some activities has been also written on the whiteboard. To complete these activities after the explain and reading the passages. So let us start the passages first, and after that we complete the activities. Okay, so let us start. My attention was fixed on the revival of the baby langur. Revival matlab होता है कि पुनर्जीवित करने के लिए, उसको जीवित करना. ठीक है, फिक्स्ड मतलब एकदम स्थिर होना. माय अटेंशन, मेरा ध्यान ना, यहाँ राइटर कहता है कि मेरा ध्यान उस बच्चे को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित था. सडनली एकाएक आई हैड अनकैनी. अनकैनी मतलब होता है एक तरह से भयभीत होना, फियरफुल होना, फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. एकाएक मैं देखे जाने से, किसी के द्वारा देखे जाने से भयभीत हो गया. हाँ, इससे भय की भावना मेरे अंदर आ गई. आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप. मैं जो है, कूप मीन्स केस, पिजड़ा ना, मैं पिजड़े से बाहर थोड़ा दूर हटा, वहां से मुड़ा. एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा. देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ. वहां पर मदर लंगूर हमारे रसोई घर की छत पर बैठी हुई थी. वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, और प्रत्येक क्रियाकलाप को, मेरी प्रत्येक क्रिया के द्वारा, मेरे द्वारा किए गए सारे कार्य को देख रही थी. सी सिंपली सैट देयर क्वाइटली. वह वहां पर साधारण रूप से शांतिपूर्वक बैठी थी. As if convinced, जैसे वह स्वयं को समझा रही हो, that no harm was being done to her baby, कि उसके बच्चे के लिए कोई भी खतरा नहीं हो रहा है, उसके बच्चे के साथ कोई बुरा कार्य नहीं हो रहा था. Meanwhile, और उसी समय, the baby sensed the presence of his mother. Presence, attendance, उपस्थिति. ठीक है, सेंसर मतलब फील करना, मतलब उसी तरह से जो है, और ठीक उसी समय बच्चे को अपनी माँ की उपस्थिति का आभास हुआ. एंड आफ्टर दैट एंड स्टार्टेड टू शॉप एंड क्राई अ लिटिल लाउडर. जैसे ही बच्चे को अपनी माँ की उपस्थिति का आभास हुआ, वो क्या किया, सब मतलब सिसकियाँ लेने लगा ना, वो सिसकियाँ लेने लगा. एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, और जोर जोर से रोने लगा. आई रिट्रीटेड
from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Access मतलब एंट्री करना, मिलना से है. Retreated मतलब back forward, मतलब पीछे जाना. ठीक है, तो बोलते हैं कि मैं जो है उस माँ को अपने बच्चे से मिलने के लिए पिछड़ी के दरवाजे से पीछे हट गया. ठीक है, immediately मतलब instantly, तुरंत द मदर descended on the floor of the coop. मतलब ये उसकी माँ के द्वारा जो एक्शन किया गया अपने बच्चे से मिलने के लिए, जो एक्शन उसने किया, उसने पहला एक्शन उसने क्या किया, माने कि immediately instantly तुरंत द मदर descended मतलब नीचे आई, उतरी on the floor of the coop. मतलब उसके बाद उसकी माँ जो है पिछड़े के फर्श पर उतर गई. एंड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स, और बच्चे को अपनी बाहों में उठा ली. पिक अप मतलब उठाना, पिक्ड अप. सी गेव द बेबी अ थ्रो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज. ना थ्रो मतलब कंप्लीटली, बट इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण करना. मतलब उसने अपने बच्चे के घाव को अच्छी तरह से पूरी शरीर पर जांच की, उसको देखा. एंड देन कडल्ड, कडल्ड मतलब क्या होता है, उससे गले लगाना. हिम टाइटली इन हर बॉसम, अपने छाती से अपने गले से उसे कसकर लगा लिया बच्चे को. तो ये जो है यहाँ पे फोर एक्शन है जो मदर ने किया अपने बेबी से मिलने के लिए. आगे द बेबी फाउंड ग्रेट सॉलेस इन हर केयरिंग आर्म्स. मतलब यहाँ बता रहे हैं कि बच्चा अपनी माँ के मतलब प्रेम भरी बाहों में मतलब कैसा आराम महसूस पाया या आराम महसूस किया. द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स. मतलब माँ जो है कुछ देर तक, कुछ मिनट के लिए बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए वहां बैठी रही. इट वॉज ऑलमोस्ट एज, ये लगभग ऐसा था, इफ सी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शन. ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पॉन्डरिंग मतलब गहराई से विचार करना ना, सोचना कि वह जो है ये अपने विकल्पों के ऊपर, अपने ऑप्शन के ऊपर, अपने विकल्प के ऊपर बहुत गहराई से सोच रही थी. ठीक ना, अब एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और ये पता लगाने का प्रयास कर रही थी हाउ सी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर एसॉल्ट. फर्दर मतलब आगे, एसॉल्ट मतलब आक्रमण, कि वह अपने बच्चे को आगे के आक्रमणों से किस तरह से सुरक्षित रख सकती है. इस विकल्प पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बैठे बैठे इसी विकल्प पर वहां पे सोच रही थी. फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण के बाद द मदर लंगू लुक्ड स्ट्रेट इन टू माई आईज. कुछ क्षण के बाद उस मदर लंगूर ने मेरी आंखों में सीधे देखा, स्ट्रेट सीधे. इवन टूडे, और आज तक आई कॉन्ट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज. मतलब मैं आज तक उसकी इस निगाह को, उसकी इस तरह की देखने के तरीकों को भूल नहीं सका. शॉरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड. ऐसा प्रतीत होता था कि वह साइलेंट ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, साइलेंट मतलब शांत कृतज्ञता, वो क्या कर रही थी. शॉरिंग मतलब बारिश करना, ठीक है, बारिश होना. तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने बच्चे को, बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी शांत कृतज्ञता मुझ पे बरसा रही थी. ठीक है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशंस, द सेंटिमेंट एंड द वे सी सेड थैंक्स टू मी. ताकि मैं उसके धन्यवाद कहने के तरीके, सेंटिमेंट उसके मने और उसके मनोभाव और भावनाओं के द्वारा भावुक हो गया. ओवरफ्लिंग मतलब भावुक होना, भावुक हो गया. ठीक है, देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लैप. ना यूनिवर्सल वैश्विक, ठीक है, एंड स्ट्रिकन मतलब सफरिंग,
कष्ट में झेल रहा है या कष्ट में पड़ा हुआ, तो देयर सेड अ यूनिवर्सल मदर, वहां पर एक वैश्विक माँ अपनी कष्ट झेले हुए, कष्ट में पड़े हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। देन इन अ फ्लैश, फ्लैश मतलब यहाँ पे क्या है, तुरंत, इसके बाद तुरंत, इन फ्लैश मतलब तुरंत, क्विकली सी जंप्ड विद हर बेबी क्लिंकिंग टू हर बिली, क्लिंकिंग मतलब चिपकाना, बिली मतलब पेट, इसके बाद वह बच्चे को अपनी पेट में चिपका कर तुरंत वहां से कूद गई ना, एंड रीच्ड आवर किचन रूफ, और हमारे रसोई घर की छत पर पहुंच गई। सी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस, विशियस मतलब होता है दुष्ट, ठीक ना, उसने जो है उस मेल लंगूर, दुष्ट मेल लंगूर के क्षेत्र का निरीक्षण किया, एंड देन, और इसके बाद लेफ्ट मीन्स जम्प्ड ना, लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पैलेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर, वायलेंट मतलब हिंसात्मक, ठीक ना, हिंसात्मक सामना वाले स्थान के विपरीत दिशा में कूद कर चली गई, ठीक है, जहां पूर्व हिंसात्मक घटना घटी थी उस घटना वाले स्थान के अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में वह कूद कर अपने बच्चे के साथ चली गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर, मतलब यह विस्तृत मिलन ना, मदर और उसके बच्चे से विस्तृत बहुत देर तक का जो मिलन था, कन्विंस्ड मी, मुझे ये समझा दिया, कन्विंस्ड समझाना, ये मुझे समझाया, दैट इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशंस, इंटर स्पेसीज मतलब अंतर प्राणी, ठीक ना, अंतर जातीय, ठीक है, कम्युनिकेशन संवाद एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज नीडेड अ रियलिटी, ठीक ना, अंतर जातीय या एक विभिन्न प्राणियों में, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या कोई एनिमल्स हो, उसमें आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपसी विश्वास, ठीक है ना, तो दैट इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशंस मतलब अंतर जाति संवाद और आपसी आपसी विश्वास इज नीडेड, कि इनडीड इज इनडीड अ रियलिटी, इनडीड वास्तव में एक वास्तविकता है, समझे, मतलब एक ह्यूमन और एनिमल के बीच जो संवाद होता है, जो आपसी विश्वास होता है, वह क्या है, वास्तव में एक वास्तविकता है। एंड शुड एनी वन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, स्ट्राइक द राइट कॉर्ड मतलब होता है कि दूसरे के मनोभाव को समझना, ये फ्रेज है, ठीक है ना, द रिलेशनशिप ह्यूम्स इंटू एक्शन ना, ह्यूम्स इंटू एक्शन मतलब एक्टिव होना, तो प्रत्येक को संबंधों को, इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को न सक्रिय करने के लिए एक दूसरे के मनोभाव को समझना चाहिए, ठीक है। द मदर लंगूर शोक्ड मी, मदर लंगूर ने मुझे ये दिखा दिया, दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक ना, बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, मतलब मानव और जानवरों के बीच का संवाद से मतलब केवल भोजन ही नहीं है, बल्कि दैट देयर वेयर अंदर में अदर मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, इसका दूसरा अर्थ है कि एक दूसरे के विश्वास के बंध को, विश्वास के संबंध को स्थापित करना, एस्टैब्लिश मतलब सेटअप करना, स्थापित करना, एंड कंपैशन मतलब सिंपैथी, दया सहानुभूति एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और आपसी समझ, ठीक है, केवल फूड से संबंध नहीं है, बल्कि हमें जो है आपसी विश्वास को विकसित करना, स्थापित करना न, सहानुभूति और आपसी समझ को का विकास करना से भी है। 55 years है पास्ट सिंस दैट डे, आज जो है 55 years बीत चुके हैं, ठीक है, आई एम नाउ 70 years old, मैं
अभी 70 वर्ष का हो गया हूँ, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेम्बर दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। लेकिन आज मैं बहुत रुचि के साथ उस विशेष प्रकार की सामना को याद करता हूँ। न राइटर तपन मुखर्जी। तो इट इज़ द मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। दिस लेसन इज फिनिश्ड हियर एंड नाउ वी कंप्लीट द एक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन दिस पैसेज। ओके, सी द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दिस पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। First one, see whether the following statements are true or false. True or false, इसमें आपको लिखना है कि ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये सत्य हैं या असत्य हैं। The baby Lalpur sensed the presence of his mother. तो ये यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखो, the baby sensed the presence of mother. ठीक ना, तो ये इसलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, दूसरा देखो फिर क्या दिया है। द मदर लंगूर वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द पूल। ना वो किस पे बैठी हुई थी, जो पूफ था, जो पिजड़ा था, उसके फर्श पर नहीं, वो उसके फर्श पे नहीं बैठी थी। किस पे बैठी थी, किचन के रूप पे बैठी थी। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। फिर द राइटर कदल द बेबी लंगूर टाइटली इन अ बॉसम। ये जो है क्या, राइटर ने उसे बच्चे को अपनी गोद में, मतलब उसको नहीं लिया था। ये कौन किया था, अगर यहाँ पे केवल इस शब्द को अगर हम हटा के इसके स्थान पे द मदर कर दें, द मदर लंगूर इतना लिख दें, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ राइटर ने ये एक्शन नहीं किया था, ये एक्शन किसका था, मदर लंगूर का था। तो इसकी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स होगा। द राइटर द बेबी लंगूर टाइटली इन फॉल्स। ठीक है, फिर द राइटर्स एक्शन वॉज फिक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। ये आपका क्या है, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है राइटर एक्शन पहले ही लाइन में दिया है, जहां से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है ना। देखो, माई अटेंशन वॉज फिक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। तो यहाँ पे माई की जगह क्या लिखा है, द राइटर लिखा है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू ना, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ठीक है, फिर देखिए अगला है कंप्लीट द फैक्ट। यहाँ पे है द मदर एक्शन टू मीट हर बेबी, मतलब अपने बच्चे से मिलने के लिए माँ के द्वारा किए गए कार्य, माँ ने क्या किया। ठीक है, इस तरह से समझो। यहाँ पे देखो आप ये स्टेंजा देखो, इसमें मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ही राइटर जो है पिजड़े के दरवाजे से बाहर पीछे हटता है, तो मदर लंगूर द्वारा पहला एक्शन होता है द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द पूफ, न उतरती है। फिर दूसरा आप ये लिख सकते हो, शी पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। उसने दूसरा एक्शन क्या किया, बच्चे को अपनी भुजाओं में उठा लिया। फिर थर्ड उसने क्या किया, शी गेव द बेबी थ्रू बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज। ये क्या हो गया, उसका तीसरा एक्शन हो गया। फिर चौथा सी, यहाँ देन है तो यहाँ पे सी लिखो, सी कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आपके चार एक्शन हो गए माँ के द्वारा जो उसने अपने बच्चे से मिलने के लिए किया। तो एक दो तीन चार, ये चारों चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर देखो चौथा जो आपका दूसरा है, ट्रूथ रिलेट टू द नरेटर अबाउट ह्यूमन एनिमल्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखिए ये रिलेशनशिप कैसे विकसित होगा। देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल्स। ये पहला हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे, बट देयर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आपको दो भरना है यहाँ पे, वन टू।
तो ये हो गया. फिर देखो मैच द कॉलम में है टू बी ओवरफ्लेम फाइल. अब यहाँ पे आंसर आप लिखोगे, ये ऑप्शन आपको ये तो ऐसा ही रहेगा. फिर यहाँ पे जब आंसर लिखोगे तो ये ऑप्शन के साथ, इसके साथ कौन सा ऑप्शन इसके सामने आएगा वो ऑप्शन लिखिए इसमें से और उसकी पूरी मीनिंग लिखिए. तो टू बी ओवरफ्लेम्ड बाई मतलब क्या होता है, देखो ये देखो ई, तो यहाँ पे इसके सामने ई आएगा, ठीक ना. टू बी एफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल फैक्ट, ठीक है. इन अ फ्लैश अभी बताया था आपको, ये डायरेक्ट लिया हुआ है वेरी क्विकली, इसके सामने ही लिखा है तो बी इसका क्या हो गया आपका बी हो जाएगा. फिर स्ट्राइक राइट फॉर, ये देखो देखो बिलीव, हाँ ये भी आते हैं बिलीव फेल डी, यहाँ पे टू डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील सेम्पथी, ये क्या होगा ये इसका आंसर ए. यहाँ पे आप डालोगे इसका ई और बी यहाँ पे सामने है. फिर म्यूचुअल ट्रस्ट ये है सी, बिलीव फेल इक्वली बाय बोथ पीपल इन्वॉल्व्ड ना, म्यूचुअल आपसी विश्वास, तो ये इसकी मीनिंग है, ठीक है. फिर चौथा टू वॉन्डर ओवर, अब बच गया आपका थिंक ओवर समथिंग डीपली, ये मैच द कॉलम है, इस तरह से आपको मैच द कॉलम करना है. यहाँ देखिए I turned away from the roof and looked up. Begin the sentence with tapping. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह के सेंटेंस दिए हुए हैं कि हमें ing फॉर्म से वाक्य को शुरू करना है तो पहले आप ये समझिए कि ये टर्निंग जो दिया गया है इस किस वर्ब का ing फॉर्म है. तो यहाँ पे आप देखो ये वर्ब है ना, तो हम यहाँ से सेंटेंस को शुरू करते हैं और आई को पीछे छोड़ दे, जो ये सब्जेक्ट है ना इसको नहीं लेना, आपको यहाँ से शुरुआत करना है. यहाँ से आप लिखते हुए आओगे कहाँ तक, एंड तक, ठीक ना. कूप लिखोगे और यहाँ एंड के बाद जो सब्जेक्ट आपका बच गया यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है. एंड यहाँ से क्या होगा इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे. टर्निंग अवे फ्रॉम द कूफ आई लुक्ड अप, ये इस तरह से होएगा, ठीक है. फिर देखो सेकेंड, शी गेव द बेबी अ थ्रो बॉडी इंस्पेक्शन, बिगिन विद द बेबी. हमने आपको बताया था वाइस जो पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया था कि जब कभी भी इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हो कि हमें ऑब्जेक्ट से वाक्य को शुरू करना हो तो वो क्या होगा पैसिव, हमें इसको क्या करना है पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस. क्यों करना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट से वाक्य को स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है. जब हम मतलब ऑब्जेक्ट से वाक्य को स्टार्ट करेंगे तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये समझिए कौन सा टेंस हो गया पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल के जब हम पैसिव में जाएंगे तो वॉज वर और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव का बिंदु देख लिया तो वहां पे ये रूल्स आपको मिलेगा. तो यहां से आपको द बेबी पहला रूल्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गेव का गिविंग, ठीक है. थ्रो बेबी इंस्पेक्शन बाई, ठीक है. थर्ड, आई कॉन्ट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, ठीक ना. अब यहां पर क्या है चेंज इट इंटू अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं आपको बताया हूं कि जब कैन नॉट कुड नॉट ऐसा दिया हो और उसको अफर्मेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो उसके स्थान पे अगर कैन नॉट दिया है तो सब्जेक्ट के अनुसार आप इज आर एंड तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे. इसके अनुसार यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार इन तीनों में से कोई एक, और इसके तुरंत बाद हम क्या लिख देंगे अनेबल. अगर नॉट लगा है तो अनेबल, अगर नॉट नहीं है तो एबल, ठीक है. अफर्मेटिव बनाना रहेगा तो नॉट लगेगा ही तो अनेबल कर देंगे. किसके स्थान पे केवल यहाँ पे ये आपको हटा देना है, इतना आपको कैन नॉट हटा के उसके स्थान में से स्थान पे
ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब दी गई है इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार और साथ में आपको क्या जोड़ना अनेबल, बाकी सेम पूरी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वाक्य कैसे बन जाएगा, आई एम अनेबल टू फॉरगेट, अनेबल टू फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। ओके, थर्ड वन लास्ट यहाँ पे है, देखो आई वॉज ओवरवेल्ड बाय द इमोशंस। समझो पहले क्या लिखा है, बिगिन विद द इमोशन। अब द इमोशन आप देखो ये इस शब्द के बाद दिया, अगर ये शब्द हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये वाक्य कैसा पैसिव में है ना, तो इसका मतलब हमें किसने बनाना, एक्टिव में। क्यों, क्योंकि बाय के बाद जो है वो क्या है कि दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट है और ये जो है क्या है आई ये ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले द इमोशन लाएंगे, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आपकी खत्म हो जाएगी, द इमोशन ओवर वेलेंट और आई को हम क्या कर देंगे मी बना देंगे, तो क्या हो जाएगा द इमोशन ओवर वेलेंट मी। ठीक है, फिर मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको करने, व्हाट डिड द मदर्स लैंग्वेज सीम टू कन्वे टू द नरेटर, मतलब जो मदर लंगूर क्या नरेटर को क्या समझाने का प्रयास कर रही थी, किस तरह से वो जो है वो उसे समझा रही थी, किस तरह से वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी, क्या कहना चाह रही थी। लास्ट, व्हाट इज योर मदर्स स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग योर इलनेस, आपकी माँ की मनः स्थिति क्या होती है जब आप बीमार होती है, मान लीजिए आप किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड हो गए, तो उस समय इफेक्टेड हो गए तो आपकी माँ की जो स्थिति होती है, जो मन स्थिति होती है वो कैसी होती है। तो ये जो है दोनों आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको स्वयं करना है और इसे लिखकर मैं पूरी आशा और विश्वास करता हूँ कि आप फ्राइडे तक भेजोगे और फिर हम इसका जो लास्ट वीडियो है तभी हम इसका लास्ट वीडियो अपलोड करेंगे और लास्ट वीडियो में हम लोग लैंग्वेज स्टडी पढ़ेंगे कि लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है, उसमें क्या क्या सावधानियां हैं, किस तरह से हम करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।